सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे द डेट इज 26th. ओके, टुडे द डेट इज 26th September 2022 एंड आज है हम लोगों का मनाली में डे नंबर 3 एंड ये है हम लोगों का थर्ड नंबर का ब्रेकफास्ट. सो लेट्स सी आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है. जी 201. सो मैंने तो दो बोल्स ले लिए हैं एंड एक स्पून ले लिया है. लेट्स सी क्या क्या मिलता है आज. ब्रेड जैम है, ओके. एशनूर को अच्छा लगता है. दिस इज ब्रेड बटर, ओके गुड. एंड दिस इज पूड़ी सब्जी आई थिंक. तो अभी एक पूड़ी ले लेते हैं. एंड सब्जी में आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी थोड़ी सी ले लेते हैं, आलू की सब्जी. एंड उपमा है, उपमा को स्किप करते हैं. अभी चाय है, कॉफ़ी है, ओके. सो गुड मॉर्निंग एशनूर, गुड मॉर्निंग शोएब. आज है आप लोगों का लास्ट डे इन मनाली, डे नंबर 3 एंड यू आर डूइंग द थर्ड नंबर ब्रेकफास्ट. तो आज आपने क्या क्या लिया है ब्रेकफास्ट में. ब्रेकफास्ट में उपमा लिया है, पूरी ली है, आलू सब्जी ली है, ब्रेड बटर एंड टी. ओके, एशनूर का क्या फेवरेट है, कुछ खाया है इन्होंने. पूरी खा रही है, थोड़ा थोड़ा बाइट ले रही है. अच्छा, पूरी तो वैसे भी आई थिंक अच्छा लगता है, अश्नूर को खा लेती हैं. ओके, उपमा कैसा है. सही है, ठीक है, ओके गुड. सो ऐश प्लीज़ खा लीजिए कुछ अच्छे से, पर वो चलेंगे घूमी घूमी करने. तो आज ही हम लोगों का डे 3, फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे विजिट पे. और ये हम लोगों का डाइनिंग हॉल, सब गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब टूरिस्ट हम लोगों के साथ के. और ये यहाँ का व्यू, ये एप्पल गार्डन दिख रहा है आप लोगों को एंड ये माउंटेन्स. ओके, तो ये एप्पल का गार्डन किसका है, ये आपका ही है. तो ऐसे तो कोई भी जाता है वैसे तोड़ ले जाके. 5 लाख जब देना पड़ेगा तो पता चलेगा. अच्छा, तो कौन देख रहा है वहाँ पे, कैमरे लगे क्या. कैमरे नहीं, वहाँ बैठे हैं जो बगीचे का मालिक है. अच्छा, अगर वो ऊपर से आ गए फिर तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा. अच्छा नहीं, तो वो नीचे गए हम लोग, नीचे से हम लोग ऐसे ये वाले आगे आगे पेड़ जो लगे थे हम लोगों ने तोड़े, उसमें से ये नीचे जो पड़े थे वो उठा लिए, उसमें फाइन लोगे क्या. तो हम लोग तो चले जाएंगे अपने शहर, आप लोग कैसे पता चलेगा कौन आया था. चोरी चोरी वाली बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही पूछ रही हूँ जैसे कि आगे वाले पेड़ इंसान खा लेता पड़ा हुआ, वो तो खाने का चल जाता है. खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जी जी बैठ के आप 10 किलो खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से लेना और भरना उसमें नहीं, वो नहीं कलेक्ट करना. तो ये कहाँ कहाँ जाते हैं ये वाले एप्पल. ऑल ओवर इंडिया जाता है. तो इतने दिन तक ठीक रहते हैं, इतने दिन तक ठीक रहते हैं, मतलब जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में. एक साल चलता है ये. अच्छा, ये जाता है वहाँ पे स्टोर जो होता है अपना. हाँ, स्टोर में फिर इसको रखते हैं, इसको अच्छा स्टोर करते हैं. नहीं तो जब ट्रांसपोर्ट में जाता है तब कुछ केमिकल लगाते हो आपकी ऐसी. कुछ नहीं, ये सीधा ऐसे नेचुरल है. अच्छा अच्छा, और चल जाता है इतने दिन तक. जैसे हम लोग एमपी के, एमपी चला जाएगा, एमपी जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, सब जगह जाओ. अरे वाह, केरला जाओ, सब जगह जाता है ये. ऐसी रहेगा बिना केमिकल के. बिना केमिकल के रहेगा, मतलब हम लोग जो खाते हैं वो सही खाते हैं, मतलब फ्रेश. अच्छा, अच्छी बात है. तो क्या क्या रेट लगा रहे हैं आप बताइए. ये होगा आपको 50 से 60 रुपए किलो तक जाता है यहाँ पे. अच्छा, और वहाँ जाके कितना हो जाता है फिर. आप वो रेडी वाला से जाके पूछो, वो तो 250 रुपए किलो. हाँ, किलो चार्ज करते. अरे वो तो कर रहे हैं ना, इसलिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे मार्केटिंग. अच्छा अच्छा, आपके यहाँ अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट लें तो आप इतने का दोगे. अच्छा, तो कोई बैग वैग है आपके यहाँ, किसमें लें बताइए. अच्छा, वो वाली पेटी बड़ी वाली. अच्छा, कितने कितना केजी आता है उसमें. अच्छा, क्या क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट उसकी फिर. 20 किलो का आएगा आपको 1500 रुपये. 1500 का 20 किलो. अच्छा, मतलब 750 का 10 किलो, 75 पे 1 किलो, क्योंकि इसमें पेटी का चार्ज करते हैं हम. अच्छा अच्छा, तो ये तो उसकी ये पेटी है हमारा कार्टन की कोई, उसकी थोड़ी पेपर की है ये तो. अच्छा, पेपर की है ना, इसका चार्ज होता है 150 रुपये अलग. अच्छा अच्छा, इनको दे दो कोई छोटा एप्पल, कोई छोटू सा, छोटू सा एप्पल, छोटू सा. आ जाओ बेटा, छोटा दे दो कोई छोटा. तो ये एप्पल का कोई किस्म है, टाइप है या फिर कुछ नाम है इस एप्पल का. ये रॉय अभी रेड कलर है हमारा. अच्छा, नहीं मतलब कुछ अलग अलग टाइप के आते हैं ना. वैरायटी अलग अलग वैरायटी. हाँ, रेड है, इसके पहले था रॉयल. अच्छा, अभी यही चला है. अच्छा, तो वैसे सीजन क्या होता है इसका एप्पल का. सीजन होता है 2 महीना ढाई महीने. अभी बारिश वाला. नहीं नहीं, हो गया, खत्म हो गया. 10 दिन बचा हुआ बस. अच्छा अच्छा, ओके. ग्रीन एप्पल नहीं होते भैया आपके यहाँ जो.
अच्छा ग्रीन भी है, ले लो ग्रीन एप्पल। अच्छा तो ये मतलब कच्चा होता है क्या ग्रीन एप्पल? मतलब ये पकने को भी बहुत टाइम लगेगा। अच्छा तो ऐसे रख रखे पक जाएगा, मतलब हम लोग ले जाए और रास्ते में पक जाएगा? ये भी है ना, एक दो ये पड़ेंगे देखो। हाँ यार ग्रीन एप्पल हो तो अच्छा है। ग्रीन भी है। अश्नू को पसंद आ गया ग्रीन एप्पल? अश्नू कहेंगे इतना बड़ा नहीं बेटा, आप इतना बड़ा नहीं खा पाओगे बेटा। ये अच्छे वैसे जूसी एप्पल हैं, आप लोगों ने खाए भी थे उस दिन तोड़ के, अच्छे हैं। हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने एप्पल का पेड़ देखा और उससे तोड़ के खाए। आप लोगों को पता है सिटीज़ में तो दिखते नहीं है ये वाला, घर पे है आम के पेड़ तो आप वो खाए हम लोगों ने तोड़ के, लेकिन एप्पल का नहीं था। तो इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? ये ठंडा ठंडा होना चाहिए, बर्फ बर्फ। अच्छा मतलब हम लोग अपने घर पे लगाना चाहें तो नहीं लग पाएंगे? हाँ एमपी से, भोपाल से। सब नहीं होने वाला, वहाँ वहाँ होगा आम, आम होता है वहाँ पे। हाँ चलो लेट्स गो बाय सम एप्पल्स। ओके ओके चलिए। सो शोएब कैसा लग रहा है आपको डायरेक्ट पेड़ से टूटे हुए एप्पल्स को ले जाते हुए? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लग रहा है। आपने ट्री देखा था कैसे पहले एप्पल का? नहीं तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइव। ओके अश्नू ने कुछ टेस्ट किया? मेरा टेस्ट उन्होंने जस्ट एक दो बाइट ली, एक दो बाइट ली। अच्छा ओके सो हम लोग ले रहे हैं ये दो बैग्स भर के एप्पल, ले जाएंगे उसको सब देंगे फैमिली मेम्बर्स को। ये पूरा गार्डन है यहाँ का, ये गार्डन के बाहर का शॉप है और ये ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट होता है। ये वेरी गुड, सारे एप्पल्स बहुत अच्छे हैं। ओके जल्दी जल्दी चूज़ कर लेते हैं फिर जाते हैं घूमने के लिए।